हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो यूलर फार्मूला से आपने क्रिटिकल लोड फाइंड किया था अलग अलग इंड कंडीशन के लिए कॉलम के, तो इस वीडियो में हम देखेंगे उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो यूलर फार्मूला का है, तो सबसे पहले हम स्टेप की बात कर लें, कुछ स्टेप की बात करें जिस स्टेप से हम इजली हम अगर उस स्टेप को फॉलो करें तो न्यूमेरिकल बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका है वो है टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ डिपेंडेंट अपॉन देयर एंड कंडीशन। पहला काम क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए यूलर फार्मूला से, जैसे क्रिटिकल लोड निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, क्रिटिकल लोड या सेफ लोड फाइंड करने के लिए कि सेफ लोड क्या होगा या तो क्रिटिकल लोड क्या होगा, तो सबसे पहले आप इफेक्टिव लेंथ उसके फाइंड करेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा अलग अलग एंड कंडीशन के लिए अलग अलग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अलग अलग इंड कंडीशन के लिए अलग अलग इफेक्टिव लोड क्या होता है। दूसरा है जो टू फाइंड लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्जी। लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्जी मतलब आई एक्स एक्स, किसी मोमेंट ऑफ इनर्जी दोनों एक्सिस पे हो सकते हैं, दोनों एक्सिस के अबाउट आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। अब उसमें जो सबसे लीस्ट होगा वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको आई फाइंड करना है, अलग अलग सेक्शन के हिसाब डिपेंड करेगा। अगर सपोज कि रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है। सिमिलरली उसी तरह से सर्कुलर सेक्शन अगर होता है तो पाई बाई 64 डी पर पावर 4 होता है, जहाँ डी डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो हुआ वो है टू फाइंड यूलर किपलिंग लोड, और यूलर किपलिंग लोड जो है सी होता है इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर ना करके इसको ये एल ई स्क्वायर है, यहाँ एल ई है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है टू फाइंड सेफ लोड। तो सेफ लोड होगा वो होगा क्रिपलिंग लोड अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर सेफ लोड पूछा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको डिवाइड करेंगे क्रिपलिंग लोड को, और क्रिपलिंग लोड आप इस यूलर फार्मूले से निकाल लेंगे तो आपको जो है सेफ लोड पता चल जाएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है ए हॉलो ट्यूब हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 36 mm एंड 52 mm रिस्पेक्टिवली इज 6 मीटर लॉन्ग एक कॉलम है जिसे एल की वैल्यू क्लियर लेंथ इसकी 6 मीटर है, एंड वो हॉलो ट्यूब का बना हुआ है वो कॉलम, तो उसकी इंटरनल डायमीटर है 36 mm एंड एक्सटर्नल डायमीटर 52 mm। इट एक्सटेंडेड बाय 3 mm व्हेन एन एक्सियल फोर्स ऑफ 50 kN इज अप्लाइड। ये 3 mm जो है एक्सटेंड हो गया, 3 mm इलांगेट हो गया ये, जब इस पर एक्सियल फोर्स लगा था 50 kN का। डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड फॉर द ट्यूब व्हेन यूज्ड एज कॉलम विद बोथ एंड पिंड। वो दोनों एंड अगर पिंड जैसा कुछ कॉलम इसका यूज किया जा रहा हो अगर उस हॉलो ट्यूब का, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिपलिंग लोड क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है 52 mm, इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी 36 mm, लेंथ ऑफ द कॉलम 6 मीटर मीन्स 6000 mm, जो डिफ्लेक्शन है या इलांगेशन डेल्टा की वैल्यू है 3 mm, फोर्स जो इस पर अप्लाइड हो रहा है 50 kN, 50 kN को आप mm में भी कन्वर्ट कर सकते हो 50 × 10⁻³ N, और एक कंडीशन आपको दिया है बोथ एंड पिंड। तो सबसे पहला आप जब यहाँ देख पा रहे हो तो सबसे पहला इफेक्टिव लेंथ वो निकालना होता है पहला। तो इफेक्टिव लेंथ अगर आप यहाँ देखोगे तो बोथ एंड पिंड के लिए जो है जो एल दिया है वही एल ही होगा, क्योंकि वेल उस कंडीशन में पिछले वीडियो मैंने बताया था कि इफेक्टिव लेंथ जो है उसके ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है। आप एरिया निकाल लीजिए उस सर्कुलर हॉलो सेक्शन का, एरिया जो होगा पाई बाई 4 एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 52 है इसका एक्सटर्नल डायमीटर उसका स्क्वायर माइनस 36 इंटरनल डायमीटर उसका स्क्वायर इंटू पाई बाई 4। वहाँ से
1105.8 mm स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो आई निकालोगे आप, तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फार्मूला होता है पाई बाई 64 डी पर पावर 4 माइनस इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर का पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर पर पावर 4। तो ये आया, आप इसको जब सॉल्व करोगे दोनों पुट करके कैपिटल डी की वैल्यू 52 का पावर 4 माइनस 36 पर पावर 4 जब रखोगे इंटू पाई बाई 64 करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 278.46 इंटू 10 पे पावर 3 mm पे पावर 4। ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे E क्या होता है, क्योंकि आपको यंग मॉडुलस यहाँ कहीं दिया नहीं था, और अगर आप यहाँ फार्मूला देखें तो यहाँ पे E की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे चूंकि मटेरियल का कोई भी यंग मॉडुलस नहीं दिया है, तो एक आपको पता है कि मटेरियल को यंग मॉडुलस जो होता है वो होता है PL बाई A इंटू डेल्टा L। तो यहाँ से जो है, यहाँ से जब आप निकालोगे P की वैल्यू 50 इंटू 10 पे 3 न्यूटन, लेंथ है इसका 6000 mm, अपान एरिया आप जो निकाले थे यहाँ पे 1105.8 mm इंटू डेल्टा L, जो डिफ्लेक्शन इसमें हुआ था वो 3 mm का इलोंगेशन हुआ था 3 डिग्री। तो ये आपका आया E की वैल्यू जो 90.43 इंटू 10 पे 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ इफेक्टिव लेंथ फॉर बोथ एंड फिक्स कॉलम, बोथ एंड हिंज कॉलम के लिए LE की वैल्यू L के बराबर होती है, मतलब LE की वैल्यू हो गई 6000 mm। अब आप जो है क्रिपलिंग लोड निकालेंगे जो यूलर ने फार्मूला बताया था, यूलर के फार्मूला जो डिराइव करते आए हम लोग, पाई स्क्वायर ई आई अपान एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू 90.43 इंटू 10 पे 3 इंटू आई की वैल्यू 276.46 इंटू 10 पे 3 अपान एल ई, एल ई मीन 6000 का स्क्वायर। तो यहाँ जो आपका क्रिटिकल लोड निकला वो आया 6854.14 न्यूटन। अगर ये क्रिटिकल लोड हुआ, अगर आपसे सेफ लोड पूछा जाता तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ अज्यूम करते, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 1.5 से, और अगर स्टील है तो 1.75 से ऊपर ही अज्यूम करते, तो 2 के अराउंड आप अज्यूम कर लेते, 2.5-3 अज्यूम कर लेते फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फिर वहाँ से आप सेफ लोड निकाल लेते। सेफ लोड इज इक्वल टू क्रिटिकल लोड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह और भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे, इसी तरह हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है, इन द कॉलम सेक्शन द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 40 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर सेक्शन। एक स्क्वायर सेक्शन का एक कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, और तो स्क्वायर सेक्शन है तो दोनों इसके साइड बराबर होंगे, और इसकी जो लेंथ है कॉलम का वो 40 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर सेक्शन। इफ बोथ एंड ऑफ कॉलम आर पिंड एंड ई की वैल्यू दी है 2 × 10⁴ किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछा है डिटरमाइन द क्रिटिकल स्ट्रेस सेटअप इन कॉलम। तो क्रिटिकल स्ट्रेस पूछा है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो क्रिटिकल फोर्स अपॉन एरिया, तो क्रिटिकल फोर्स हम निकालें, क्रिटिकल लोड जो होता है, तो क्रिटिकल लोड निकालेंगे तो क्रिटिकल स्ट्रेस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल लोड निकालते हैं, गिवन डेटा पे एक बार देखते हैं, तो 2 × 10⁴ किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स किलो न्यूटन को आप न्यूटन में चेंज किए, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने कर दिया आपने mm स्क्वायर, तो हो गया 10⁴। तो ये आपका हो गया 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ई हो गया। अब आपको फाइंड करना है सिग्मा सी। अब अगर यहाँ पे वो सेक्शन है स्क्वायर सेक्शन जिसके दोनों साइड हैं स्मॉल ए बराबर है, लेट ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर कॉलम, तो लेंथ ऑफ द कॉलम होगा 40 टाइम्स ऑफ साइड, मतलब 40 टाइम्स ऑफ ए। इफेक्टिव लेंथ सिंस बोथ एंड आर पिंड, तो दोनों एंड अगर पिंड है तो इफेक्टिव लेंथ इसके
ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगा, मीन्स व्हाट, 40 into a 40a। आई आपका होगा स्क्वायर कॉलम के लिए ए पर पावर 4/12। अब यूलर फार्मूला आप क्रिपलिंग लोड के लिए यूज करोगे तो होता है ई सी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू आपने निकाला था 2 into 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई आई, आई मीन्स ए पर पावर 4/12 अपन एल ई स्क्वायर, एल ई मीन्स 40a का स्क्वायर। यहाँ जब पी सी की वैल्यू इन द टर्म ऑफ ए आई, तो ये आई आपकी 102.81 a स्क्वायर न्यूटन, ये आपकी पी सी की वैल्यू आई। हमसे पूछा जा रहा है क्रिटिकल स्ट्रेस या क्रिपलिंग स्ट्रेस, तो क्रिटिकल स्ट्रेस होगा क्रिटिकल फोर्स या क्रिटिकल लोड डिवाइडेड बाय एरिया। क्रिटिकल लोड आपका है 102.81 a स्क्वायर अपान एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे आपने कर दिया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो स्ट्रेस आया हमारा सिग्मा सी वो आ गया 102.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रिटिकल स्ट्रेस आपका इससे फाइंड हो गया। अब आगे हम देखेंगे रैंकिंग गार्डन फार्मूला। तो रैंकिंग गार्डन फार्मूला से भी हम क्रिटिकल स्ट्रेस निकाल सकते हैं अलग अलग टाइप के कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के लिए। अब हम देखेंगे रैंकिंग गार्डन फार्मूला। तो रैंकिंग गार्डन फार्मूला है, इसको रैंकिंग फार्मूला भी बोलते हैं, रैंकाइन फार्मूला। रैंकाइन डिराइव है इम्पेरिकल फार्मूला अप्लीकेबल फॉर पोर शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। अभी तक जो आपने यूलर के क्रिटिकल लोड का जो फार्मूला पढ़ा था उससे बस लॉन्ग कॉलम्स पे ही क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड निकाल लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकलिंग की वजह से और शॉर्ट कॉलम फेल होता है बकलिंग और क्रशिंग दोनों की वजह से। तो जो यूलर का क्रिटिकल लोड का जो फार्मूला था उससे बस हम क्रिपलिंग लोड निकाल सकते हैं, और क्रिपलिंग सिर्फ होती है लॉन्ग कॉलम में। तो शॉर्ट कॉलम के लिए भी हमें क्रिटिकल लोड निकालने का फार्मूला चाहिए था, तो उसके लिए रैंकिंग गार्डन ने फार्मूला बनाया था और वो इम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड था। तो ये दोनों अप्लीकेबल था शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के कॉलम पे। तो शॉर्ट कॉलम जो फेल करता है वो होता है बकलिंग लोड एंड क्रशिंग लोड दोनों की वजह से, क्रश भी हो जाता है और बकल भी कर जाता है। क्रशिंग का मतलब होता है उसका बेस जो होता है कॉलम का लोअर बेस या अपर बेस वो क्या क्रश हो जाता है, बिखर जाता है। तो आपको पता है कि लोड इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो क्रिटिकल लोड जो होगा वो होगा क्रिटिकल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सिग्मा सी जो होगा यहाँ वो क्रशिंग स्ट्रेस होगा। तो अगर क्रशिंग लोड निकालना हो तो क्रशिंग लोड इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। लॉन्ग कॉलम फेल बाय बकलिंग लोड। अब बकलिंग लोड हमारा होता है पीई, जो पीई स्टैंड फॉर यूलर, यूलर लोड भी इसको बोलते हैं, इसलिए जो बकलिंग लोड यूलर ने फार्मूला बनाया था इसलिए इसको पीई भी बोलते हैं। तो पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर होता है। अब इन द प्रैक्टिस कॉलम और शॉर्ट कॉलम और स्टड आर फेल ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। जो फेल करता है पहले ही कॉलम का, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि क्रशिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों इस पे एक्ट करता है। जो क्रशिंग स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। रैंकिंग फार्मूला जो होता है, रैंकिंग का जो इंपीरिकल फार्मूला होता है लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम के लिए, ये होता है 1 by p। p है यहाँ पे टोटल क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू होता है 1 by pc। pc है क्रिपलिंग लोड प्लस 1 by pc है क्रशिंग लोड एंड 1 by pe। pe है यूलर लोड और क्रिपलिंग लोड। तो ये इंपेरिकल फार्मूला है। यहाँ से जो है अभी हम इसको ऐड करें तो 1 by p इज इक्वल टू, यह दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये होता है pe प्लस pc बाई pc इंटू pe। पी इज इक्वल टू अगर इसको हम p लिखें, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, p इधर भेज दिया हमने राइट साइड में और इनको इधर ले आए,
तो ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू पी ई इंटू पी सी अपॉन पी ई प्लस पी सी। अब अगर हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में पी ई का हम डिवाइड कर दें तो पी सी इंटू पी ई में पी ई डिवाइड करें, कैंसिल हो गया पी ई, बचा पी सी अपान इन दोनों में हम पी ई का डिवाइड करेंगे तो पी सी अपान पी ई प्लस पी ई में डिवाइड करेंगे पी ई का तो वन आएगा, तो वन प्लस पी सी प्लस अपान पी ई। अब जो है फर्दर जो पी की वैल्यू होगी, पी सी को आप पता है कि पी सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सिग्मा सी इंटू ए, तो यहाँ पे पी की वैल्यू सिग्मा सी इंटू ए, पी सी को हमने सिग्मा सी इंटू ए लिखा, वन प्लस पी सी की वैल्यू होती है पिछले वाले उसमें बताया था सिग्मा सी इंटू ए अपान पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर। पी सी की जो वैल्यू है, पी सी की हमने वैल्यू रखा सिग्मा सी इंटू ए एंड पी की वैल्यू है पाई स्क्वायर ई आई अपान एल ई स्क्वायर। अब फर्दर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो सिग्मा सी इंटू ए अपान वन प्लस सिग्मा सी इंटू ए पाई स्क्वायर ई आई को लिख सकते हैं ए के स्क्वायर अपान एल ई। फर्दर इसको एक बार और मॉडिफाई करते हैं तो सिग्मा सी इंटू ए अपान वन प्लस सिग्मा सी इंटू पाई स्क्वायर ई और ये एल ई अपान के को नीचे भेजा, एल ई के नीचे डिनोमिनेटर बना के तो एल ई अपान के का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको पता है कि आई इज इक्वल टू होता है ए के स्क्वायर। तो फर्दर हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो पी इज इक्वल टू होगा सिग्मा सी इंटू ए वन प्लस ए एल ई अपान के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो रैंकिंग कांस्टेंट होता है, रैंकिंग कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर अपान ई, पाई स्क्वायर इंटू ई, ये रैंकिंग कांस्टेंट है। तो रैंकिंग कांस्टेंट जो होता है ये मटेरियल वाइज ये चेंज होते रहता है, तो रैंकिंग कांस्टेंट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। वैल्यू ऑफ द रैंकिंग कांस्टेंट ए एंड क्रशिंग वैल्यू सिग्मा सी, सिग्मा सी भी क्रशिंग वैल्यू जो होती है क्रशिंग स्ट्रेस, ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग दी रहती है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस मटेरियल के लिए क्रशिंग स्ट्रेस और किसी स्मॉल एक वैल्यू अलग अलग कितनी होती है, ये आगे के हम नेक्स्ट पेज में बताने वाले हैं। तो आगे देखेंगे जो रैंकिंग कांस्टेंट होता है स्मॉल ए और क्रशिंग स्ट्रेस जो सिग्मा सी होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए कितना होता है। तो सबसे पहले है डब्ल्यू आई मतलब रॉट आयरन, रॉट आयरन के लिए क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी जो होता है वो होता है 250 मेगा पास्कल या 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और जो रैंकिंग कांस्टेंट होता है स्मॉल ए उसकी वैल्यू होती है 1/9000, 1/9000 रॉट आयरन के लिए स्मॉल ए की वैल्यू होती है। उसी तरह सेकेंड है आपका कास्ट आयरन सी आई, कास्ट आयरन मटेरियल का क्रशिंग स्ट्रेस जो होता है सिग्मा सी वो होता है 550 मेगा पास्कल मीन 550 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और स्मॉल ए की वैल्यू रैंकिंग कांस्टेंट स्मॉल ए की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/1600, ये होती है स्मॉल ए की वैल्यू फॉर कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील के लिए एमएस, माइल्ड स्टील मटेरियल के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेस होता है वो होता है 320 मेगा पास्कल या 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इसकी जो रैंकिंग कांस्टेंट स्मॉल ए की वैल्यू होती है 1/7500 स्मॉल ए की वैल्यू फॉर माइल्ड स्टील। लास्ट में टिम्बर की जो वैल्यू होती है मटेरियल, टिम्बर मटेरियल के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेस होता है वो होता है 50 मेगा पास्कल इसकी क्रशिंग स्ट्रेस होती है। और इसका रैंकिंग कांस्टेंट होता है 1/750 इसका स्मॉल ए का वैल्यू होता है टिम्बर के लिए। तो आप देखोगे रॉट आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और टिम्बर में सबसे कम जो
क्रशिंग स्ट्रेस होता है वो होता है टिम्बर में, सबसे ज़्यादा जो क्रशिंग स्ट्रेस होता है वो कास्ट आयरन में होता है। इसीलिए कास्ट आयरन जो होता है वो क्रशिंग स्ट्रेस में जो होता है वो क्रशिंग लोड के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है, और टिम्बर जो होता है वो जल्दी क्रश हो जाता है। अब एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे इसी पे, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारा ये माइल्ड स्टील हॉलो कॉलम हैज 100 mm एक्सटर्नल डायामीटर एंड 60 mm इंटरनल डायामीटर एंड 4 meter लेंथ इज यूज्ड एज कॉलम। एक माइल्ड स्टील का हॉलो कॉलम था जिसका 100 mm एक्सटर्नल डायामीटर एंड 60 mm इंटरनल डायामीटर था, और 4 meter उसका ओरिजिनल लेंथ था। वो कॉलम की जैसे यूज हो रहा है। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड बाय रैंकिंग फार्मूला व्हेन बोथ इंड आर हिंज। जब दोनों इंड हिंज हो तो रैंकिंग फार्मूला से क्रिपलिंग लोड निकालना है। टेक सिग्मा सी 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड रैंकाइन कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 1/7500। अगर आपको नहीं पता है तो माइल्ड स्टील का जैसे टेबल में आप देख सकते हैं, माइल्ड स्टील के लिए जो होता है 320 मेगापास्कल सिग्मा सी एंड रैंकाइन कांस्टेंट स्मॉल ए 1/7500 ये होता है। अब कॉलम के लिए जो लेंथ दिया है गिवन 4 meter मींस 4000 mm, D1 एक्सटर्नल डायामीटर इसको कैपिटल D से भी लिख सकते हो, D नॉट से भी लिख सकते हो, DO से, D आउटर, तो यहाँ D1 100 mm एंड D2 है 60 mm, सिग्मा सी 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 1/7500। अब क्रिपलिंग लोड PC निकालना है तो उससे पहले हमें I निकालना होगा। तो हॉलो सेक्शन के लिए जो I होता है, हॉलो सेक्शन सर्कुलर सेक्शन की आई जो होती है होता है π/64 डी पर पावर 4 एक्सटर्नल डायमीटर का पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर का पावर 4। यहाँ से आपका डी जो कैपिटल डी की वैल्यू है D1 और स्मॉल डी की वैल्यू है D2, तो यहाँ से आपका आ गया 4.27 × 10^6 mm पर पावर 4। अब आप देखेंगे एरिया जो हॉलो सेक्शन था सर्कुलर सेक्शन का एरिया होगा वो π/4 मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर। तो ये आप जब सॉल्व करोगे वैल्यू रख के, एक्सटर्नल डायमीटर है 100 mm का स्क्वायर करोगे माइनस 60 mm का स्क्वायर करोगे तो आएगा 5027 mm स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ जायरेशन जो निकालना है, के की वैल्यू होती है I/A, तो यहाँ पे जो है I की वैल्यू आपने निकाला 4.2726 × 10^6 डिवाइडेड बाई एरिया जो निकाला 5027, तो इसका रूट जब करोगे तो K की वैल्यू आई हमारी 29.15 mm, ये K की वैल्यू आ गई। अब जो रैंकिंग लोड जो PC होता है ये आपको पता है कि अभी फार्मूला आपने देखा था सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1/A × L/K का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है सिग्मा सी की वैल्यू 320 है, ए की वैल्यू है 5027 जो आपने डिटरमाइन किया है, 1 + A, ए की वैल्यू गिवन है 1/7500 × L की वैल्यू लेंथ है इसकी 4000 एंड K की वैल्यू है, आप यहाँ देखोगे कि जो LE होता है यहाँ पे LE अपान K होता है, तो ये LE की जो वैल्यू है हमारी वो चूंकि ये जो कॉलम था ये दोनों एंड इसका हिंज था, इसलिए LE की वैल्यू ओरिजिनल लेंथ L के ही बराबर होगा, इसलिए हमने जो LE की वैल्यू लिया ओरिजिनल लेंथ वो 4000 ही लिया है अपान के 19.15 mm का स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आएगा यहाँ क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड PC की वैल्यू आएगी 458.3 kN। ये आपका क्रिपलिंग लोड आया है और ये क्रिपलिंग लोड आपने रैंकाइन क्रिपलिंग लोड के फार्मूला से आप निकाले हो इसको। तो ये क्रिटिकल ये इसी बेसिस पे कॉलम के
क्रिटिकल लोड रैंकाइन गार्डन थ्योरी से भी आप कॉलम के क्रिटिकल लोड को लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के क्रिटिकल लोड को आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला का यूज करते हैं।